कौन है रे? कौन है? डॉन, डॉन, डॉन। दोस्तों मार्केट में आ रही है जबरदस्त मूवी दो, एक है सलार वही दूसरी है डंकी। तो दोस्तों डंकी मूवी का एडवांस बुकिंग कब स्टार्ट होगी, ये सवाल हर किसी के मन में घर कर रखा है। तो दोस्तों आपको बता दूं डंकी का एडवांस बुकिंग विदेशों में कब का खुल चुका है, लेकिन इंडिया में इसकी एडवांस बुकिंग अभी तक नहीं खुली है। और ऐसे में दोस्तों इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं डंकी का एडवांस बुकिंग कब स्टार्ट होगी और किस तरह का रिस्पॉन्स फिलहाल डंकी को मिल रहा है। सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दे तो दोस्तों डंकी मूवी राजकुमार हिरानी की डायरेक्शन में तैयार किया गया है। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म को लेकर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही है, क्योंकि दोस्तों पठान और जवान बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी थी। और इस बार आ रही है दोस्तों बॉलीवुड के सबसे बड़ी खतरनाक डायरेक्टर की मूवी डंकी। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस मूवी की एडवांस बुकिंग के बारे में। तो बॉलीवुड के सबसे बड़ी खतरनाक सुपरस्टार है दोस्तों शाहरुख खान, और ओवरसीज मार्केट में डंकी का एडवांस बुकिंग सलार की काफी दिनों के बाद खुली है। लेकिन दोस्तों डंकी मूवी का एडवांस बुकिंग बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है, वही सवाल उठता है दोस्तों इंडिया में कब स्टार्ट होगी। तो दोस्तों आइए आपको बता दे तो दोस्तों बताया जा रहा है कि डंकी का एडवांस बुकिंग 16 दिसंबर को खुल दी जाएगी। तो दोस्तों तैयार हो जाइए इसकी एडवांस बुकिंग के लिए। और दोस्तों आपको बता दूं डंकी का एडवांस बुकिंग इसलिए लेट खुली है क्योंकि यहां पर सलार का भी कॉम्पिटिशन है और स्क्रीन को लेकर यहां पर दोस्तों बात हो रही है। वैसे डंकी जहां पर 21 दिसंबर को दस्तक दे रही है, वही सलार 22 दिसंबर को आने जा रही है, और इसलिए दोस्तों स्क्रीन को लेकर काफी ज्यादा बातें हो रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं डंकी पीछे हटने वाली नहीं है, जवान और पठान की तरह यह भी सुपरहिट होना तय है। लेकिन दोस्तों सलार को कमजोर मत समझना, यह KGF का खून है। जी हाँ दोस्तों, प्रसाद नील ये डायरेक्टर दोस्तों काली खून से लाल बना देती है, जैसे कि हमने KGF में देखा था। और दोस्तों बात करते हैं बॉलीवुड की डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की। तो दोस्तों देखो मूवी चाहिए हमें एंटरटेनमेंट करने के लिए, जो यहाँ राजकुमार हिरानी की नाम ही काफी है। और बॉलीवुड के किंग खान सुपर स्टार शाहरुख खान जो पठान और जवान के बाद एक्शन हीरो की लिस्ट में आ गई है। और ऐसे में दोस्तों आपका क्या रिएक्शन है डंकी और सलार के बारे में, कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। रिक्वेस्ट।